नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बेसन की लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और लड्डू तो वैसे हम सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें बेसन के लड्डू बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। 2 कप बेसन, ग्राम के हिसाब से हमारा 200 ग्राम बेसन ले लिया है। 150 ग्राम हमने घी ले लिया है देसी, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हमने बादाम, पिस्ता और काजू को टुकड़ा कर लिया है। और चाहिए हमें 200 ग्राम भूरा चीनी या भूरा, आप अपने पसंद के मीठा के अनुसार डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 200 ग्राम लिया है, जितना हमें ज़रूरत होगा एंड में हम उतना ऐड करेंगे, तो मीठा आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं बेसन के लड्डू बनाना। हमने एक नॉनस्टिक कढ़ाई ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें आधा घी अभी ऐड करेंगे और थोड़ा सा घी हम बचा देंगे, बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम घी को गर्म होने देंगे। पहले घी हमारा थोड़ा गर्म हो गया है तो हम अब ये बेसन डाल देंगे, और बेसन को हमें लगातार चलाते हुए इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे फ्राई करना है। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो बेसन हमारा जल जाएगा। और गैस को हम बिल्कुल लो टू मीडियम कर देंगे, और ज़रूरत पड़े तो हम कभी कभी बिल्कुल लो पे भी इसे फ्राई करेंगे। तो हम इसे अच्छे से कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। ऐसे हम गुठलियां हटा के स्पैचुला से इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमें 7 मिनट हो गया है बेसन को फ्राई करते हुए। देखिए हल्का इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम बाकी जो घी बचे हुए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे हम फिर से अच्छे से भून लेंगे 4-5 मिनट। देख सकते हैं आप कि बेसन का कलर हमारा चेंज हो गया है। हमने दोबारा घी डालने के बाद 4 मिनट और इसे भून लिया है। देखिए पूरी तरीके से बेसन का कलर चेंज हो गया है। अब हम एक कटोरी में 5-6 चम्मच हमने पानी ले लिया है। हमने गैस को अभी बिल्कुल लो फ्लेम में कर दिया है। अब हम थोड़ा सा हाथों में इस तरीके से डाल के इसमें छींटे मारेंगे। इससे हमारा बेसन के जो लड्डू है बिल्कुल दानेदार बनके तैयार होगा। ये जब तक झाग खत्म होता है तब तक हमें बेसन को और भून लेना है। बिल्कुल गैस हमारा लो फ्लेम में है और हम इसे लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे या मीडियम नहीं करेंगे। ये पानी वाला प्रोसेस आप जरूर कीजिएगा, इससे बहुत ही टेस्टी हमारा लड्डू बनके तैयार होगा। देख सकते हैं आप झाग इसका बिल्कुल बंद हो गया है, और इसे हम और 2-3 मिनट और ड्राई कर लेंगे। जो साइड में लगे हुए हैं वो स्पैचुला से हम छुड़ाते हुए इसे हम और 3-4 मिनट और ड्राई कर लेंगे। हमने 4 मिनट और इसे अच्छे से ड्राई कर लिया है, और करीब हमारा पूरा प्रोसेस में 16-17 मिनट का टाइम लगे है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं
और इसे हम एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, लेकिन हम कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। गैस बंद करने के बाद भी हमारा ये कढ़ाई ज़्यादा गर्म है तो इसकी वजह से ये बेसन जल सकता है, तो हम थोड़ी देर इसे 2-3 मिनट ऐसे ही चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हमारा बंद है तो 2-3 मिनट हम ऐसे चलाते हुए बंद गैस के ऊपर इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हम लड्डू बनाएंगे। बेसन हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप मीठा इसमें अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद है। देखिए इतना चीनी हम रख देंगे, नहीं ऐड करेंगे, काफी है हमारा ये भूरा, अच्छे से मिला लेंगे। और ये ड्राई फ्रूट्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम बचा देंगे ऊपर लड्डू के ऊपर हम लगाने के लिए, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको घी ज़्यादा लगे, जैसे आप फ्राई करते टाइम अगर आपका बैटर अगर बेसन का पतला लगे, तो आप थोड़ा सा बेसन को दूसरे एक सूखे तवे में अच्छे से कलर चेंज होने तक बेसन को 4-5 मिनट के लिए भून लीजिएगा। उसके बाद अब वो बैटर में पतले बैटर में फिर से ऐड कर दीजिएगा, तो आपका बैटर पूरा सही बन जाएगा। लेकिन कच्चा बेसन नहीं ऐड करना है, अगर बैटर पतला हो जाते तो अलग से उसे थोड़ा भून के फिर आप ऐड कीजिएगा। अच्छे से मिक्स हो गया है और ये जो भूरा हमने मिलाया, भूरा आप तभी मिलाएं जब बैटर हमारा ठंडा हो जाए, गरम में आप कभी भी मत मिलाइएगा, नहीं तो वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। और हम जिस तरीके का, हम जिस साइज का लड्डू चाहते हैं उस तरीके का हम लड्डू बना के अब तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से हम हाथ में थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसी तरीके से प्रेस करते हुए थोड़ा दबा के हम इसे लड्डू का शेप देंगे। छोटा बड़ा जो भी साइज आपको पसंद है लड्डू का आप वो बना सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। देखिए हम एक दूसरा भी आपको दिखा देते हैं। देखिए हम थोड़ा बड़े साइज का भी बना लेते हैं। इस तरीके का हम बैटर लेंगे और हाथों में, हथेलियों में हम इस तरीके से प्रेस करते हुए थोड़ा दबा के हम इसे गोल करेंगे। पहले तो हम प्रेस करते हुए इसे गोल करेंगे और फिर धीरे धीरे हम इसे हल्के हाथों से गोल करते जाएंगे। देखिए और थोड़ा सा इस तरीके से हम शेप दे देंगे। देखिए और इसी तरीके से हम सभी लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स हमारे सभी लड्डू बनके तैयार है। तो देखा ना आपने कितना आसान है घर में बेसन के लड्डू बनाना। आशा करती हूँ आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ मेरे रेसिपी इसको शेयर कीजिएगा, और मेरे नए नए रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको ये रेसिपी कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगला रेसिपी लेके मैं बहुत जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।